मनी एंड बैंकिंग थोड़ा पीछे जाते हैं। जब पैसा शुरू हुआ, एक बार सोचिए कि इकोनॉमी में, देश में, सरकार में हमेशा से पैसा नहीं था, हमेशा से हमारे पास पैसा था नहीं। हमने जब हम लोग यहाँ से यहाँ का सफर हमने तय किया, हम ऐसे चलते थे, हम सीधे हो गए, हम लोगों ने अपने लिए खेती करने शुरू करी, शिकार करना शुरू करा। अब जब हम लोगों ने खेती करनी शुरू करी तो हम लोग कोई चावल उगा रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है, कोई दाल उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है। अब इमेजिन करिए गन्ना उगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कृषि का खेत है, गन्ने उगा रहा है, एक बार तो खेत में घूम जाता, एक बार राघव घुस गया उस गन्ने के खेत में, गन्ने खराब हो गए, जहां से दूसरे गन्ने टूटे। अब गन्नों का खेत है, अभी गन्ने उगाते हैं, इसके पास क्या खाने की ऑप्शन है? सारा दिन गन्ने खा खा के बोर, भी कितना मीठा खाओगे। अब ये कहते हैं कि मुझे जो है ना, मुझे थोड़ा गेहूं चाहिए, गेहूं था प्रकल्पा के खेत में, मुझे थोड़ा गेहूं दे। इसने कहा मैं ऐसे कैसे गेहूं दे दूं, मुझे बदले में गन्ने दे। बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम, क्योंकि आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, दूसरे वाले के पास कुछ प्रोडक्ट है, आपको उसका प्रोडक्ट पसंद है, उसको आपका प्रोडक्ट पसंद है, मगर एक्सचेंज नहीं हो पा सकता, एक्सचेंज जो है नहीं हो पा रहा है, तो वहां बार्टर सिस्टम आ गया। मगर बार्टर सिस्टम के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स, बार्टर सिस्टम आ गया, पैसा नहीं था तो बार्टर आ गया। बार्टर सिस्टम के साथ पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस के आप जो बेचना चाहते हैं और सामने वाला जो खरीदना चाहता है वो अलग अलग हो सकते, हो तो सकता है बेटे आप गेहूं देना चाहते हो और बदले में चावल चाहिए, चावल देने वाला तो मिल गया आपको, लेकिन वो कह रहा है मुझे गेहूं नहीं चाहिए, प्रॉब्लम हो गई। सो डबल कोइंसिडेंस यानी आपको जो देना है वो सामने वाला लेने को भी तैयार हो और जो उसने देना है वो आप लेने को तैयार हो, तो ये प्रॉब्लम। देन लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आज तो बेटा हम हर चीज को पैसे में तोल देते हैं ना, हर चीज को, आपको पता है कि ये प्रोजेक्टर महंगा होगा, पंखा सस्ता होगा, कैसे, क्योंकि आपने प्रोजेक्टर और पंखे दोनों को पैसे में तोला, आपने दोनों में दोनों, आप कैसे कह सकते हो कि ये टीवी महंगा होगा और ये कैलकुलेटर सस्ता होगा, क्यों? आपने दोनों को, अभी यहाँ पे छोटा वाला आईफोन 13 रख दूंगा ना तो अपने पता चलेगा कौन सा मैटर है, सब साइज नहीं मैटर करता, और गले से गोल्ड की चेन था तो और भी छोटी है मगर और महंगी होगी। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने दोनों को पैसे में पेश हो, उस वक्त तो पैसा था ही, आज तो आप पैसा देखकर, बंदे की जेब देखकर लड़ाई लड़ते हो, अगर आप सड़क पे लड़ाई हो जाए तो कोई रिक्शे वाला हो तो उससे बहुत जोर से लड़ते हो, और कोई गाड़ी पे जा रहे हो तो थोड़ा आराम से लड़ते हो, भैया देखना था लग गई देखो, और गाड़ी वाला थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा उतरा तो फिर आपका कोई नहीं ठीक है, रिक्शे वाले का बेचारे का वो थोड़ा सा टच भी हो गया तो आप 2 रुपए का आदमी नहीं है, बात कैसे करें, मतलब उस आदमी को 2 रुपए का आपने बना दिया, आप आदमी को भी पैसे में तोल लेते। इन केस ऑफ मनी मेजर ऑफ वैल्यू है, अगर वहां पैसे पे मेजर वैल्यू नहीं था ना तो एक्सचेंज में प्रॉब्लम। अब आप कहो कि मेरा गन्ना महंगा है, ये कहे मेरा गेहूं महंगा है, तो आपस में एक्सचेंज में लड़ाई हो रही,
वो कहती मैं चार ही गन्ने दूंगी एक पूरी गेहूं के बदले, पागल है चार गन्ने मुझे नहीं चाहिए। अब हो ही नहीं रहा, एक से नहीं हो रहा क्योंकि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं। देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप वैल्यू को स्टोर कैसे करोगे? आज तो पैसा स्टोर कर लेते हो ना, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आप एफडी करा लेते हो, तो भैया मेरे को एक मेरा स्टूडेंट मिला, अब तो बड़ा है शायद दुकान वुकान है उसकी, वो कर बोला सर मैं तो अब बस आराम से आता हूँ दुकान पे, थोड़ी देर बैठता हूँ घर चला जाता हूँ, काम अब मैंने कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मेरी एक बेटी है, जब हुई थी मैंने 20 लाख रुपए की एफडी कर दी। मैं कहा अच्छा 20 लाख की एफडी कर दी तो ये तो ठीक है, शादी होती हो गया पूरा काम ठीक है। अब सोचो उसने तो 30 लाख की एफडी कर दी जब वो पैदा हुई, 20 साल की होगी तो उसके 50-60 लाख रुपए होंगे, वो कर ले शादी करे पढ़ाई। अब आप सोचो आप उस टाइम पे पैदा हुए थे जब पैसा नहीं, आपने एफडी किस चीज की करी? गेहूं संभालोगे 20 साल, चावल संभालोगे, बकरियां गायें कुत्ते क्या संभालोगे? मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है मैंने 4 कुत्तों की एफडी करी, 20 साल बाद वो कुत्ते जो है वो गाय और गाय से हाथी बन चुके होंगे। तो अच्छा है बेटी 20 साल में विदा हो जाएगी, ये तो तू डायनासोर बनाता उसको। तो यहाँ पर पैसा नहीं है तो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप वैल्यू ट्रांसफर कैसे करोगे? आज मैं पिछले 3 साल से मेरे को रोज कोई मैसेज आता है कि आपके पेटीएम में इतने पैसे क्रेडिट हुए। कई बार बच्चे बताते नहीं कि किसने फीस सबमिट करी, लेकिन हो जाती है ऑनलाइन ट्रांसफर, हमने देखा ही है बीच में 2 साल हमने क्या किया ऑनलाइन सब सीक्रेट, मुझे कभी नहीं आता था ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना, हम सीक्रेट कर लेते हैं। यहाँ से लंदन पैसा भेजना होना का काम है, और सोचो उस वक्त जब पैसा नहीं था, बताओ कैसे लंदन भेजने 10 कुत्ते, मुश्किल है ट्रेन लंदन तो जाना भी लंदन दोबारा बड़ा मुश्किल है। हमारी प्रियंका के पास एक बहुत सुंदर जानवर था, एक सूंड थी, दो दांत थे लंबे, थोड़ा है हाथी कहते हैं, एक्सचेंज करना था नूपुर के घोड़े से, कहा एक घोड़ा रख और हाथी ने कहा हाँ मैं ठीक है, अगर तेरा घोड़ा तो छोटा है मेरा हाथी बड़ा। नूपुर ने कहा तो एक काम कर पीछे के 2 टांगे तू रख लेना, 2 टांगों के साथ आज के टाइम में ये पॉसिबल है, हाथी काटना नहीं, आज के टाइम में उनको घोड़ा देगी साल में कुछ पैसे देगी और हाथी ले, मगर उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि डिविजिबिलिटी नहीं थी कुछ चीजों में। भाई गेहूं चावल आपस में कर रहे हो तो डिवाइड कर सकते हो, तो इस तरह से जानवर कर रहे हो तो कैसे डिवाइड करोगे? व्हाट डिविजन पॉसिबल? तीन प्रॉब्लम्स थे किसके साथ? बाटर के साथ। बेटा ये बाटर की प्रॉब्लम्स मेरे लिए बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो अगला टॉपिक आपके साथ ले रहा हूं वो है मनी। ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो मनी पैदा ही नहीं होती, अगर बाटर में ये दिक्कत नहीं होती ना तो आज हम सब सुखी होते, हम सब बहुत सुखी होते। पैसा ही दुख का जड़ है इस वक्त, क्या दिक्कत है? आपने 5 लाख रुपए साल के कमाए हैं, दोस्त की नौकरी लगी है 6.5, सब इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा दुख ही नहीं हो सकता। आपकी नौकरी लगी है 10 लाख रुपए की,
उसकी लग गई है 15.5 लाख की। सारा दिन यही सोच कि भैया मैं तो मर गया, मैं तो सारी जिंदगी कुछ किया ही, है ना। आपकी दुकान है 10-20 गज की और साथ वाले ने 50 गज की दुकान ले ली है, इससे बड़ी आफत। तो मनी का पैदा ही यहां से हुई है, मनी शुरू ही यहां से हुई, बार्टर सिस्टम से मनी शुरू हुई। तो मनी को डिफाइन करना आपके लिए बहुत आसान है। कहते हैं ना जरूरत की आविष्कार की जननी होती है, नीड इज द मदर ऑफ डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट। नीड है तो ये नीड थी, ये प्रॉब्लम्स ना होती तो मनी की जरूरत नहीं होती। तो यानी मनी क्या कर रही है, मनी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। मनी से डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम खत्म। मनी कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन मेजर ऑफ करंट, मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ करंट, मनी कैन बी यूज्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ करंट, मनी कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन मेजर ऑफ एक्सचेंज। हाँ या नहीं? तो किसी ने पूछा मनी क्या है, हमने कहा मनी इज एनीथिंग विच कैन परफॉर्म दीज फंक्शंस। क्या फंक्शंस? मेजर ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बेटा मनी को एनीथिंग क्यों बोला? क्योंकि मनी ने बहुत सारे रूप बदले हैं। जब शुरू में मनी आई तो सोने के सिक्के थे अशरफी, फिर सोने के सिक्कों से चांदी, तांबा, और फिर धीरे धीरे रुपया आ गया। रुपया कहां से आया था? एनी केसेस एक रसीद दी सृष्टि को कि ये 5,000 रुपए का तेरा सामान मेरे पास है, तो ये रसीद। इसने इशिका को 5,000 रुपए देने थे, इसने इशिका को कहा ये रसीद तू ले ले ज्वेलर से ले ले। अब ज्वेलर पे तो विश्वास करते हैं क्योंकि ज्वेलर के पास सोना है। तो इसने 5,000 रुपए की रसीद घुमा दी और रसीद घूम रही, तो इस तरह से वहां एक नोट बन गया। नोट भी क्या है, उस ज्वेलर की रसीद पे भी क्या लिखा था, आई प्रॉमिस टू पे दिस मच। आज नोट पे भी यही लिखा होगा। नोट को फाड़ दो बेटा कुछ नहीं मिलेगा, अभी ट्राई करके देखो। 10 का नोट तो आपसे हिम्मत कर लो, कभी वो गुलाबी वाला ट्राई करो और पापा के सामने करो। इधर आप नोट फाड़ रहे होंगे, उधर पापा ने आपकी टांगे पकड़ी होंगी और आप उल्टे लटके होंगे सेकंड फर्स्ट फ्लोर से, है ना। तो ये आप नोट फाड़ के देखे आपको कुछ नहीं, उस नोट में सिर्फ वो प्रॉमिस है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ रुपीस 2000। किसी बेवकूफ ने मुझसे ये कहा कि सर नोट फाड़ो उसमें चांदी की तार निकलती है, मतलब बेच के देख एक बार बेच कितने की बिकती है वो चांदी की तार। चलो कागज बड़ा महंगा है, मतलब ले 2000 का नोट मैं फाड़ देता हूँ बेच के, तो उसमें कुछ नहीं आ रहा। उस मनी को क्या कहते हैं? उस मनी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। और एक होते हैं कि जिसको आप फाड़ दो गला दो तो भी उतनी ही बिकेगी। सोने का सिक्का है बेटा, सोने के सिक्के पे 5,000 लिखा है और उसको पिघला के बेचो तो कितने का बिकेगा? 5,000। बोलो ना। आज अच्छा अपनी ज्वेलरी अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी आदतें पड़ जाए, जुआ, नशा, आपने ज्वेलरी बेच दी, जैसे रात को अपना मंगलसूत्र बेच दिया, बनावट के पैसे भी देते हैं आपको, उसके अंदर जो सोना है उसी के पैसे मिले क्या? तो वो होती है फुल बॉडीड मनी। क्या कहते हैं? फुल बॉडीड मनी। जो पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू, मेरी बातों को शब्दों को ध्यान से सुने याद रखे, जिस पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी जिसको हम फाड़ कर पिघला कर बेचे, तो वो जो वैल्यू होती है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। उसके ऊपर लिखा है दैट इज द फेस वैल्यू। तो जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर हो उसे हम कहते हैं फुल बॉडी मनी, और जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा हो और इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो उसको रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। फिर एक मनी आती है लीगल टेंडर मनी।
लीगल टेंडर मनी या फिर इसको फियट मनी भी कहते हैं। लीगल टेंडर या फियट मनी कौन सी होती है? जिनको लॉ सपोर्ट करता है। आज आप सुनिए, आपसे बात मैं पहले भी कर चुका हूं, 500 और 1000 का नोट आज भी कुछ लोगों के पास होता है, मगर वो पैसा पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉ ने हाथ रखा, उसको लॉ बैक नहीं करता, हमारा देश का लॉ उसको नहीं मान्यता देता, तो वो लीगल टेंडर या फियट मनी, फियट मतलब लॉ। तो जो लॉ सपोर्ट नहीं करता जिस पैसे को, उसको लीगल टेंडर नहीं। एक मनी होती आपने लिखी फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव लीगल टेंडर फियट, एक होती है ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी कौन सी होती है? जो लेने वाले के ऊपर ऑप्शन है, वो हो सकता है ले और हो सकता है ना ले। आपके बैंक का चेक हो सकता है, कुछ लोग मना करते हैं, दे हैव राइट टू से। पेटीएम ऑप्शनल है भैया, आप पेटीएम लोगे? आप पूछते हो कभी, आपने पूछा भैया 100 रुपए का नोट ले लोगे? वो ऑप्शनल नहीं है ना, लेकिन पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आप क्या करते हो भैया, ले लोगे? अच्छा सिक्के, कई बार कॉइन्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं, आपने किसी को 10,000 रुपए देने हैं सिक्के ले गए, एक एक रुपए 10,000 पूरा थैला भर के बोला कि दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑप्शनल, लीगल टेंडर, फियट, फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव, ये बातें समझ में आ चुकी। तो मनी ने कई चीजें चेंज करी हैं, जहां मैं मनी की डेफिनेशन पे आ रहा हूं, कहीं सोने के सिक्के से प्लास्टिक की मनी, प्लास्टिक से आज केवल ओटीपी रह गई है। ओटीपी है ना, कोई फोन करे आपको और आपसे कहे सर अभी एक ओटीपी आया होगा देना, आप फटाक से सतर्क हो जाते हो कि आपके बैंक से कुछ निकल रहा है। और कई तो ऐसे भी बेचारे आप जैसे सतर्क हो जाते हैं जिनका बैंक अकाउंट ही, उनको लगता है ओटीपी से क्या जाएगा, फिर भी वो डर जाते हैं। तो ओटीपी नहीं मनी, जिसका बैंक अकाउंट है वो तो फिर भी डरेगा यार, जैसे जशवान का बैंक अकाउंट है, लोगों से इनका पैसा रखा है, तो वो तो समझ में आता है जिसका बैंक अकाउंट। तो दैट इज मनी ने कितने फॉर्म चेंज कर लिए, मनी स्टार्टेड फ्रॉम गोल्ड कॉइन टू एन ओटीपी, बट दैट इज ऑल मनी, उसको हम सबको मनी कहते हैं। सो मनी में ये सारी चीजें। अच्छा, अब मनी के बाद आ गया मनी के फंक्शंस। मनी क्या करती है आपके लिए, ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ा। आपसे पूछे ना बेटा कहीं बाई चांस, कोई आपसे पूछ रहे एक्सक्यूज मी कि मनी क्या करती है, मनी ये आपके लिए, तो आपसे कोई मनी पूछ ले, मनी एक्ट्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट्स एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये मनी करती है। जो बार्टर नहीं कर पा रहा था वो मनी करती है, इसलिए बार्टर समझा रहा था कि मनी इसलिए करती है। फिर मनी के बाद हमने सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई, एक वक्त पर जितने भी लोग हैं देश में, लोग, इंस्टीट्यूट, जिनके पास पैसा है, उस सारा पैसा टोटल कर लो, उसको मनी सप्लाई करो। मान लो ये देश है, जो ये कमरा है, ये पूरा देश है। मैंने आप सबसे कहा अपनी अपनी जेबों में से पैसे निकाले, तो किसी के 2 रुपए निकल आए, किसी के 10 निकल आए, किसी की उधार की पर्ची निकली है, तो वो सब निकल के आगे, दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विद एवरीवन इन द इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड करें? हो सकता है राघव कहे कि सर मेरे पास बैंक में है, तो क्या वो मनी सप्लाई का काउंट होगा? प्रसन्न कहे सर मैंने तो घर में कुछ रखा, ये क्या है, मैंने कहीं किसी में, किसी अकाउंट में डिपॉजिट, किसी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करे, कोई स्कीम ली हुई, तो कौन से मनी सप्लाई होंगे? मनी सप्लाई आपके पास 4 होते हैं, M1, M2, M3, M4। M1 की परिभाषा है CC प्लस DD प्लस OD। M1 की परिभाषा है CC, DD, OD। CC क्या होता है? कैश एंड करेंसी। CC का मतलब होता है करेंसी एंड कॉइन्स, DD का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद
banks, commercial banks. और OD का मतलब होता है other deposits with RBI. ठीक है? Then M1 plus M2 में क्या होता है? M1 plus बताइए. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट. बेटा पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक अकाउंट होता है, मगर ये क्या फर्क होता है नॉर्मल कमर्शियल बैंक से? आप इसमें भी पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. जमा करने के लिए डिपॉजिट रिसीट, निकालने के लिए विड्रॉल रिसीट. चेक नहीं यूज होता है. आप जो बैंक का सेविंग अकाउंट होता है उसके अगेंस्ट चेक इशू कर सकते हैं, वो चेक से अपने आप पैसे लेने का बैंक से. तो बैंक के जो अकाउंट होते हैं सेविंग अकाउंट, दे आर चेकेबल अकाउंट. बट जो हमारा पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट होता है दैट इज नॉट चेकेबल, उसके अगेंस्ट चेक नहीं कर सकते. ठीक है, विड्रॉल रिसीट पे ही पैसा मिलेगा. M3 इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स. टाइम डिपॉजिट्स यानी कि FDs, जो एक पर्टिकुलर टाइम से पहले आप विड्रॉल नहीं कर रहे, उसको उतना ही समय लगेगा विड्रॉल. ठीक है, देन M4, M3 प्लस अदर डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस. अभी हमने पोस्ट ऑफिस में सिर्फ सेविंग बैंक डाला था, और भी कोई डिपॉजिट्स अगर पोस्ट ऑफिस लेता है, कई तरह के डिपॉजिट्स लेता है पोस्ट ऑफिस, वो भी अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो M4 बन जाएगा. M1, M2, M3, M4 के बारे में कुछ खास बात. अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूंगा, लिक्विडिटी क्या होता है? जिसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर ले वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड होता है. तो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है M1, फिर उससे कम होता है M2, फिर M3, फिर M4. तो सबसे कम लिक्विडिटी M4 में जाकर आती है. ठीक है, अगर मैं वाइडननेस की बात करूं, वाइडननेस में ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा. सबसे वाइड होगा M4, फिर उससे कम होगा M3, फिर M2 और फिर M1. तो अगर मैं वाइडननेस की बात करूंगा तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, और अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूंगा तो लिक्विडिटी तो सबसे ज्यादा कैश में होगी, तो यहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी. लिक्विडिटी के केस में ऐसे और वाइडननेस के केस में उल्टा. ठीक है, तो मनी सप्लाई ये किसने दिया? हमारे देश में आरबीआई ने चार मेजर्स लिए हैं. क्या भाई, मैंने आपसे कहा मनी सप्लाई का मतलब है देश में जितने भी लोग हैं उनके पास जितना भी पैसा है सबको टोटल कर लो, वो मनी सप्लाई बनेगा. ठीक है, लेकिन कौन सा पैसा इंक्लूड करें? तो M1 इंक्लूड करें, M2 करें, M3 करें. सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो M3, सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो M3 है, क्योंकि उसमें ये दोनों भी आ गए और ये भी आ गए. M3 इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई, जिसके हिसाब से मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं. देन आपके पास आ गए बेटा मनी सप्लाई के बाद नहीं होना चाहिए, आरबीआई से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना नहीं चाहिए. समझ आ गया आपको? नहीं तो आपको समझना चाहिए. एक ना मैं किसी दिन हवा नहीं पूछता एक मार के ना इससे देखो बच्चे करवा होता. कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं बेटा? जो बैंक कॉमर्स करता है, जो बैंक बिजनेस करता है, उसे कमर्शियल बैंक कहते हैं. और जितने भी बैंक्स अपने आसपास आप जब जानते हैं, जो आप जिनको बैंक जानते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, HSBC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? इनके कई सारे फंक्शन होते हैं. सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस में ये दो मेन काम करते हैं. एक्सेप्ट करते हैं आपसे डिपॉजिट्स और एडवांस करते हैं आपको लोन. आपसे डिपॉजिट ले लेते हैं और आपको लोन दे देते हैं, इसको प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं. सबसे पहला फंक्शन ही ये
कि आपसे डिपॉजिट लेंगे और आपको लोन देंगे। आपको जो डिपॉजिट आपसे लेते हैं उस पे मान लो 5% आपको इंटरेस्ट देते और जिसको लोन देते हैं उससे 12%, ये जो डिफरेंस है 7% का, यही बैंक की कमाई। दिस इज हाउ बैंक अर्न्स। बैंक ने बस पैसा खरीदा और पैसा बेचा। बैंक क्या है? पैसे का सेलर। बैंक डील्स इन व्हाट? मनी। इट बाइज मनी, इट सेल्स मनी। तो इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स। एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट कई तरह के एक्सेप्ट करता है, सेविंग, करंट और फिक्स। तीन डिपॉजिट आप जानते हैं, सेविंग, करंट और फिक्स। सेविंग होता है हम लोगों के लिए जिन्होंने कुछ कम ट्रांजैक्शंस करनी होती है, करंट होता है जिन बिजनेसमैन के लिए जिन्होंने ज्यादा ट्रांजैक्शंस करनी होती है, एफडी होती है जिन्होंने एक लिमिटेड टाइम से पहले पैसा नहीं निकाला। तो अब सेविंग में भी एक आगे आता है रेकरिंग। रेकरिंग किसको कहते हैं? जो बार बार हो रहा है, जिसमें आप बार बार डिपॉजिट करते हैं। रैंक रेकरिंग बैंक अकाउंट, जिसमें बैंक कहता है अच्छा हर महीने इतना डिपॉजिट करते हैं, उसे रेकरिंग बैंक डिपॉजिट। लोन, लोन कई तरह के बैंक देता है आपको। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में आपको लोन बता दिया जाता है कि कितना आपको लोन मिल रहा है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। एक होती है लिमिट्स, क्रेडिट लिमिट्स, जिसको हम हम उसमें क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, या मैं अभी एक बार आपको नाम बताऊंगा उसमें ना आपके अकाउंट में सारा पैसा निकालता है। अकाउंट में पैसा नहीं डालता, बैंक कहता है कि आपको सैंक्शन हो गई है 50 लाख की। अब आप जितना चाहिए आप लोन ले लेना और जितना लोन लेंगे आपको उतने पे ही इंटरेस्ट देना। इसमें क्या है कि आपको सारा पैसा दो, आपको 50 लाख का लोन है, 50 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अब आपको इंटरेस्ट पूरे 50 लाख। इसने आपको लिमिट दे दिया 50 लाख की, हो सकता है आपने 10 लाख लिया, ये बिजनेस बैंक के लिए होता है, उसको 10 की जरूरत है, उसने 10 ले लिया, अब वो इंटरेस्ट कितने पे दे रहा है? 10। बाकी 40 उसको अलाउड है, उधर 40 उसने लिए हैं, ठीक है। देन होता है कॉल मनी। कॉल मनी यानी क्रेडिट जो देते हैं वो ऑन कॉल, भाई अभी दिया है पैसा और जब कॉल करेंगे उस वक्त आपको वह पैसा वापस देना, जैसे ही आपसे कॉल किया जाएगा यू विल हैव टू गिव अस द मनी, ठीक है। ये प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी के बाद कमर्शियल बैंक के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी और यूटिलिटी फंक्शन होते हैं वो कई सारे। आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी से डील कर रहे हैं और लेटर ऑफ रेफरेंस या लेटर ऑफ क्रेडिट आपको दे देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाइना में किसी से डील कर रहे हैं, वो चाइनीज आदमी आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, आप उसको कह रहे हो माल भेज दे, वो कह रहा है पैसा भेज दो, अब यहाँ पे बात बन नहीं रही, तो वो अब आपकी डील ही नहीं हो पा रही। मान लो आपने पैसा भेज दिया, उसने माल नहीं भेजा, उसका नाम है हिंग चौंगपू, जाओ चाइना ढूंढो, चाइना लैंड करो कि सारे हिंग चौंगपू लगे क्या? जो फोटो में था ना सारे पैसे लगे, कैसे ढूंढो? तो हाँ बैंक आपका बीच में हेल्प करता है, बैंक लेटर ऑफ रेफरेंस देता है। ये ऐसा है कि ये लोन जो है अगर आपने जो पैसा दो, आप माल भेजोगे यहाँ से पैसा आपको आ जाए, तो बैंक एक्ट्स एज अ मीडिएटर। देन बैंक आपको ट्रैवलर्स चेक इशू करता है। ट्रैवलर्स चेक क्या होते हैं? आपको भगवान ना करे कभी फॉरेन जाना पड़े, तो फॉरेन जाना पड़े तो वहां पैसा संभालना पड़ता है, डॉलर ना, डॉलर के बाद उसको कहते हैं सिक्कों को सेंट्स, वो बड़ा मुश्किल है संभालना, मुझे नहीं समझ आता, मुझे सच में नहीं समझ आते, मुझे सेंट्स में बड़ी कंफ्यूजन होती है, यहाँ तो जैसे पैसे होते हैं ना 10 पैसे 20 पैसे, वहां नहीं समझ में आते, तो अब मैं कैरी भी नहीं करना चाहता, मुझे डर लगता, कितने से डॉलर रखो ना जिम में, $1,000, आप तो $1,000 निकालो, एक्चुअली जिम में आपके 53-54,000 और यूएस डॉलर तो 78,000 है इस टाइम, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो आपको ना बैंक ट्रैवलर चेक इशू करता है, $10-100 के डिनोमिनेशन के आपको ट्रैवलर चेक इशू कर दिया, आप यूज करो, जहां जाना है उसको सेव। देन
ट्रैवलर्स चेक के अलावा आपको लॉकर फैसिलिटी, वॉल्ट फैसिलिटी, आपको बैंक लॉकर फैसिलिटी देता है। आप लॉकर जो है ना उसमें आप बैंक में लो और अपने सोने चौरा कागज काला पैसा वहां रखो। लॉकर फैसिलिटी के बाद आपके लिए कलेक्ट भी सेटअप है, पानी यहाँ कलेक्ट एंड पे मनी ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पर पैसा देता भी है और आपके बिहाफ से पैसा लेता भी है। बस आ जाओ, पांच मिनट लेगा जी ना। पता क्या इनका टॉपिक हुआ नहीं है ना, तो तू तो चराएगी भी क्या मेरे गाली देते। अच्छा देखो भी प्रेजेंट क्या।